वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। आज ये जानेंगे जैसे अपने को वुडन डोर है, वुडन डोर का फ्रेमिंग किस तरीके से तैयार किया जाता है और पूरा स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनाया जाता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे जो दो फ्रेम है, अपना खड़े वाला फ्रेम हो गया इस तरीके से, और इसका मैं आपको मार्किंग भी बता दूंगा किस तरीके से किया जाता है, और अपना जो अंदर की साइड में अपने को फिक्सिंग करना रहता है वो भी किस तरीके से किया जाता है। जैसे अपना फ्रेम है, फ्रेम का साइज़ अपना 5 इंच का फ्रेम है और ऐसे में 1.5 का है। इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे अपना दरवाज़ा है, दरवाजे का लेंथ है अपना 7.5 फुट का है, और इस तरीके से अपना मार्किंग किए हैं, और ऊपर आगे की साइड में अपना 1/2 इंच छोड़ दिया है इस तरीके से, और ऊपर की साइड में भी अपने 1 इंच छोड़ दिया है, और इस तरीके से आप देख सकते हो 1 इंच यहाँ पर छोड़ा है, और आगे की साइड में अपने ललकातरे के लिए अपना 1/2 इंच छोड़ा है इस तरीके से, और अपना होल है इस तरीके से अपना पूरा आर पार होल कर दिया गया है। दोस्तों, यदि अपने को इस तरीके से मार्किंग करना रहता है तो इस हिसाब से देख लेंगे। जैसे अपना पहले दरवाजे का है, दरवाजे के हिसाब से अपने पूरा लंबा मार्किंग कर लेंगे, और फिर जो अपना आड़े वाले चूल रहते हैं, आड़े वाले चूल के हिसाब से अपने चूल निकाल देंगे इस तरीके से। अपना जैसे दरवाज़ा यदि 3 फुट का हुआ तो 3 फुट के हिसाब से अपने एक एक जैसे धोखा आता है अपना खड़ा वाला 5-5 इंची, तो 5-5 इंची अपना रख के मार्किंग कर लेंगे, और फिर अपना जो चूल है उसको अपना 1/2 इंची ज़्यादा रखेंगे इस तरीके से। 1/2 इंची ज़्यादा रखने का कारण ये रहता है, उसमें जो कातरा रहता है आधे बाई आधे का, वो अंदर जाके उसमें मिल जाएगा इस तरीके से, और इस तरीके से अपना चूल है उसको अपना प्रॉपरली अपने लगाते जाएंगे। तो स्थिति आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। और इस तरीके से अपना कट है, कट मार देने के बाद में अपने डायरेक्टली फिर अपना आगे का प्रोसीजर चालू हो जाएगा। इस तरीके से अपना जो कट है, कट अपना 3 डोरा अंदर बैठाया है दोनों साइड से, 3-3 डोरा, फिर अपना जो चूल है, चूल के हिसाब से अपना चूल निकाला है। और जैसे अपने को कई बार यदि मोटा यदि चूल रखना है तो अपना ऊपर की साइड में अपने कम माल निकाल देंगे, और अथवा अपने को पतला चूल रहता है यदि इक्वल भाग करना रहता है तो उस हिसाब से अपने कटर को बैठाते जाएंगे। जैसे अपने आगे चल के अपने वीडियो में देखेंगे किस तरीके से अपने को फिक्स करना रहता है, किस तरीके से मिलाया जाता है, और किस तरीके से अपना पूरा दरवाज़ा है रेडी किया जाता है इस तरीके से। दोस्तों, यदि अपने को इस तरीके से यदि कहीं पर भी वुडन डोर बनाना रहता है तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हो। जैसे अपना ये जो धोखा है अपना आड़ा वाला धोखा है, और अपने शुरुआत में लिए थे अपना खड़ा वाला धोखा रहता है, और अपना आड़ा वाला धोखा रहता है उसमें अपना चूल निकाला जाता है, और खड़े वाला जो धोखा रहता है उसमें अपना होल निकाला जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे अपना चूल है, चूल का प्रोसीजर यहाँ पे चालू हो गया है। इस तरीके से अपना जो दांता है, दांता भी रखा है ये फ्रेम में, तो आगे चल के अपने वीडियो में मालूम चल जाएगा अपना दांते में किस तरीके से अपने को फिटिंग करना रहता है अपना जो फ्रेम रहता है वुडन का, वो इस तरीके से। और जैसे अपना यहाँ पर जो चूल था, चूल का यहाँ पर पूरा प्रोसीजर इस तरीके से अपने प्रॉपर से करते जाएंगे। Gracias.